डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना 2017 में की गई थी। यूनिवर्सिटी बनने के बाद पहली बार सीनेट की बैठक बुलाई गई और कई बड़े फैसले लिए गए। अब विश्वविद्यालय पहला दीक्षांत समारोह और नैक मूल्यांकन की तैयारी में जुटा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के गठन के 4 साल लगभग पूरे हो रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। ऐसे इस विश्वविद्यालय को पहले भी 12वीं की मान्यता UGC से मिल चुकी है और अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय प्रशासन ने मूल्यांकन की तैयारी शुरू कर दी है। नैक मूल्यांकन कराना अनिवार्य है क्योंकि इसके बाद UGC के द्वारा विश्वविद्यालय के विकास के लिए फंड मिलता है। नेक के लिए हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, पर सबसे पहले तो हम लोग बातचीत करनी होगी, उसके बाद कमेटी बनानी होगी, उसके बाद काम का बंटवारा होगा और उसके तहत हम लोग सबको इन्फॉर्म करेंगे। नेक मूल्यांकन तो बहुत ज़रूरी है, चूँकि नेक मूल्यांकन के आधार पर ही हम लोग को ग्रांट अगर मिलता है और उसमें जैसे ए ग्रेड बी ग्रेड इनको ज़्यादा ग्रांट मिलता है, तो इसलिए नेक मूल्यांकन तो कर बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय में पहली बार दीक्षांत समारोह का आयोजन होने जा रहा है। यह उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल महीने में 1,000 विद्यार्थियों को डिग्री और मेडल प्रदान किए जाएंगे। इसमें PG में अध्ययन करने वाले प्रथम बैच के विद्यार्थियों को यह मौका हासिल होगा। कन्वोकेशन के लिए भी हम लोग तत्पर है, तो कन्वोकेशन लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई में हो जाएगा। गौरतलब है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के लिए अप्रैल और मई का महीना बेहद खास होगा क्योंकि यहां पहली बार नैक मूल्यांकन होने जा रहा है, तो वहीं पहली बार दीक्षांत समारोह का भी आयोजन होगा। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन आविदास के साथ अंजलि की रिपोर्ट।